अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे एकदम खैरियत से होंगे। तो एक नई वीडियो के साथ फिर से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही आसान रेमेडी लेके आई हूँ मैं आपके लिए। बहुत सारे कॉमेंट आ रहे थे कि शादी ब्याह या कहीं पर भी जाना हो अर्जेंटली, या हमें कोई ऐसा फेस पैक बता दें या कोई ऐसी रेमेडी बता दें जिसके साथ हमें अर्जेंट रिजल्ट मिल सके। तो यानी कि 10 मिनट अगर आप इसको कर लेते हैं घर में से ही, कोई चीज़ें निकाल के किचन में से ही, तो आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आप बाहर की क्रीम्स यानी कि मार्केट की क्रीम्स जितनी भी आप यूज़ करते हैं आए हैं या कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं उनको आप भूल जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से जाके कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक और कमेंट कर देना, ताकि हमारी जो है हौसला अफजाई हो सके और हम लोग मजीद नई नई रेमेडीज आप लोगों के लिए लेके आ सके, नए नए एक्सपेरिमेंट करके हम लोग आपको नई चीज़ें बता सकें। जी अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए होंगी जो आपकी किचन में मौजूद होंगी। आपको चाहिए 4 चम्मच दूध, 2 चम्मच बेसन और 1 चम्मच शहद। इन तमाम चीज़ों को यानी कि 3 इंग्रेडिएंट बन रहे हैं, दूध, बेसन और शहद, इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लें। इसका बहुत ही अच्छा फेस पैक बनेगा, गाढ़ा सा, जैसे आपको रखना होगा आप वैसे रख सकते हैं। इसको आपने जो है अपने नेक पे और अपने मुंह पे लगा लें। अगर आपने हाथों पे भी लगाना है, पैरों पे भी, तो आप वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। आपने इसके पेस्ट को 10-15 मिनट लगा के रखना है। जैसे आपको हल्का हल्का ड्राई लगेगा, आपने अपने हाथों को गीला करना है और गीली जो है गीली उंगलियों के साथ आपने मसाज करनी है अपने हाथों पे, हल्के हाथों से मसाज करनी है, ठीक है। अपने चेहरे पे, अपनी गर्दन पे हल्के हाथों से मसाज करें और 5 मिनट मसाज करने के बाद अपने चेहरे को धो लें सादा पानी के साथ। इसके साथ आपके फेस के ऊपर अर्जेंटली जो ग्लो आने वाला है ना, आप यकीन जानो कि आप बाहर की तमाम चीज़ें भूल जाओगे और इस रेमेडी को रोज़ ट्राई करने। अच्छा तो ये तो मैं जानती हूँ कि आपको इसके साथ रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं, लेकिन फिर भी हौसला अफजाही के लिए अपना फीडबैक क्लास में शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें जो है अच्छा लगे। यही आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, जिससे हमारे जो है हमारे अंदर काम करने की लगन बढ़ती है और हम मज़ीद अच्छा अच्छा काम लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।